हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नारायण खेजूर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम तोरी के बीज एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। उसमें से अराउंड 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी तोरी की, कि मैं वो दिखा रहा था। मैंने उसको सूखने के लिए रख दी थी, मैंने उसको कील पे टंगा के मैंने उसको रख दी थी। और अब मैं आपको एक हफ्ते के बाद मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ। वो एकदम पूरी सूख चुकी है, उसके अंदर भी मैंने खोल के उसके बीज देखे थे तो पूरे बन चुके वो। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो भी बना ही लेता हूँ। तो देखे, ये ऐसी है तोरी, कुछ देखिए पूरी सूख चुके है तोरी ऐसे। अभी मैं आपको इसके अंदर ऐसे बीज भी निकाल के दिखाऊंगा। देखिए, इसके अंदर तीन होल्स टाइप होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे बीज भरे होते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अराउंड 1 वीक पहले मैंने इसको यहीं रखा था, वहां मैंने रखा था दरवाजे पे कील से टंगा के। और आज देखिए पूरा ये सूख चुका है ऐसे अच्छे से। देखिए गाइस, आपको आवाज़ भी आ रही होगी सीड्स की। अभी मैं आपको इसके ऐसे दिखाऊंगा क्या है इसके अंदर, कितने सीड्स बन चुके हैं। तो अभी एक के बर्तन से निकालता हूँ मैं इसमें। तो गाइस, इसमें अभी पूरी ऐसे खाली हो चुकी है। देखिए पूरी अभी खाली हो चुकी है बिल्कुल भी, अब इसमें एक भी सीड नहीं रहा है। तो इसमें हमें इतनी बड़ी तोरी से इतने सीड्स आए हैं। और ये गाइस नॉट टू गुड और नॉट टू बैड, ठीक ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, ओके ओके है। लेकिन वैसे भी गाइस बहुत सारे सीड्स आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सीड्स आ गए अभी तो। देखिए गाइस, अगर आप इतनी तोरी को बस उसको पालते और अच्छे उसकी ग्रोथ करते तो आपको उससे इतने सारे सीड्स एक्सट्रैक्ट हो सकता है। और आप इससे भी और ऐसी तोरी की बेलें उगा सकते हैं और उसमें से बहुत सारी तोरी पा सकते हैं। तो देखिए, इतने सीड्स अभी आ चुके हैं और इसको उगा के हम और तोरी के पेड़ उगाएंगे नेक्स्ट सीजन में। तो अब इनको मैं कोई भी ऐसे डब्बों में स्टोर कर लूँगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ना हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी मस्त सी एक वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।